हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द हैप्पीनेस बॉक्स विद सेबी। सो आज हम आए हैं न्यू हेयर ब्यूटी सलून में, जो लोकेटेड है सेक्टर 31 गुड़गांव नियर ओम स्वीट्स। सो आज हम यहाँ पर आए हैं पेडिक्योर करने के लिए, और ये पेडिक्योर यूजुअल पेडिक्योर जैसा नहीं है, बट बिल्कुल उससे थोड़ा सा अलग है, बिकॉज आज हम करने वाले हैं क्रिस्टल पेडिक्योर। अब ये क्रिस्टल पेडिक्योर होता क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, और ये इसकी कॉस्टिंग क्या है, और ये क्यों करते हैं, इन सब के क्वेश्चंस के आंसर हम इस व्लॉग में देने वाले हैं। सो डू वॉच द व्लॉग टिल एंड। सो क्रिस्टल पेडिक्योर जो है, इसमें हम इस तरह के लोटस के प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं। यू कैन सी हियर, सारे प्रोडक्ट की किट यहाँ पर रखी हुई है। सो डिफरेंट तरह के यहाँ पे जो है लोटस क्रिस्टल्स के प्रोडक्ट रखे हुए हैं। सो हम ये सारे प्रोडक्ट्स आज यूज़ करने वाले हैं हमारे पेडिक्योर के लिए और पैरों को खूबसूरत बनाने के लिए। सो अगर आपको किसी तरह की स्किन टैनिंग है, और स्पेशली अगर आपको फुट पे क्रैक्स है, और स्पेशली ये एक पेडिक्योर जो है आपके क्रैक्स के लिए, और अगर आपकी स्किन टोन अच्छी करनी है आपको, या अगर आपको किस तरह की टैनिंग है, तो उसके लिए डेफिनेटली ये पेडिक्योर काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। बिकॉज मैंने जब किया था तब मेरे स्किन पे थोड़ी सी टैनिंग थी, एंड आफ्टर दैट वो टैनिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, सो विच यू विल सी इन द एंड। और टोटल टाइम रिक्वायर्ड इस पेडिक्योर को करने के लिए 1 आवर है, 45 मिनट्स टू 1 आवर दे टेक टू डू दिस काइंड ऑफ अ पेडिक्योर। और थोड़ा सा बेसिक पेडिक्योर से डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, क्या प्रोडक्ट्स एक्चुअल में यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, हम देखेंगे ब्लॉग में आगे। सो फर्स्ट इन्होंने मेरी जो बेसिक क्लीनिंग होती है, ब्रशिंग होती है, जो क्यूटिकल्स क्लियर करने होते हैं, और जिस तरह की क्लीनिंग होती है वो उन्होंने फर्स्ट प्रोसीजर में की, एंड इट वाज नाइस बिकॉज मैं काफ़ी थकी हुई थी, एंड जिस तरह से मुझे मसाज की ज़रूरत थी और चीज़ों की ज़रूरत थी वो अच्छी तरह से हो रही थी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। सो अगर आपको इस सैलून को लोकेट करना है तो इट इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 31 गुड़गांव, और एग्जैक्टली ओम स्वीट्स की लेन में ही ये आपको मिल जाएगा सैलून। ये सैलून काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस है, लाइक हेयर्स के लिए फेमस है, और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए और फेमस है, बट आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस क्रिस्टल पेडिक्योर ओवर हियर बिकॉज किसी के रेफरेंस ने मुझे बताया था कि काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पर। सो दे गिव स्पेशली अटेंशन टू द सर्विस एंड द काइंड ऑफ दी यू नो कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ज़्यादा फोकस करते हैं ये, तो इसीलिए मैंने कहा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। So you can see here, I'm just soaking my legs into the water and I'm very relaxing here. So first, इन्होंने मेरी जो cuticles की cleaning थी, nails की cleaning थी, nails की shaping थी, और सारा कुछ जो filing का काम था, ये सारी चीज़ें उन्होंने की, और एक जो एक normal massage होता है वो उन्होंने दिया, and it was really nice. आगे आप देखोगे कि काफ़ी सारी चीज़ें हम use करने वाले हैं, और इस आफ्टर अफेक्ट ऑफ द क्रिस्टल पेडिक्योर ऑल्सो आपको पता पड़ेगा। ये काफ़ी फेवरेट पार्ट था मेरा, बिकॉज मेरे डेड स्किन्स काफ़ी हो गई थी, सो आफ्टर क्लीनिंग द क्यूटिकल्स एंड एवरीथिंग एंड शेपिंग द नेल्स वी स्टार्टेड क्लीनिंग आर फुट, एंड आप देखोगे कि काफ़ी सारी जो है वो डेड स्किन मेरी आगे निकली भी दिखेगी आपको, बिकॉज हाँ ऐसे तो हमारे पैर काफ़ी क्लीन लगते हैं, बट जब हम पेडिक्योर कराते हैं तभी हमें पता पड़ता है कि नहीं, एक्चुअल में काफ़ी डेड स्किन है। यू कैन सी हियर कितनी डेड स्किन निकल रही है, एंड यू नो मुझे ऐसे तो पैर क्लीन लग रहे थे, लेकिन जब पेडिक्योर किया तभी पता पड़ा कि इतनी डेड स्किन, इस तरह की डेड स्किन है मेरे पैरों में। सो यस डेफिनेटली अगर आप ब्राइडल है या किसी तरह के स्पेशल ओकेजन में अगर आपको जाना है, तो डेफिनेटली आई थिंक दिस क्रिस्टल पेडिक्योर इज़ फॉर यू, बिकॉज इस तरह के पेडिक्योर जो होते हैं वो काफ़ी आपके पेडिक्योर पैर को क्लीन करते हैं, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू गो फॉर एनी फंक्शन और फॉर एनी काइंड ऑफ अ स्पेशल ओकेजन और एनी ब्राइडल अगर आपको करवाना है किसी तरह से, अगर ब्राइडल पैकेज में आपको करवाना है, देन आई विल सजेस्ट दैट गो फॉर इट, बिकॉज दिस इज़ द परफेक्ट थिंग फॉर अस। सो ये हम डाल रहे हैं अभी क्रिस्टल, लोटस के क्रिस्टल्स। सो वीडियो का मेन पार्ट तो यही है कि
ये क्रिस्टल्स डेड स्किन्स को काफ़ी क्लियर करते हैं एंड इट्स हेल्प्स टू रिड्यूस द टैन एज वेल. सो यू कैन सी हियर कितने क्यूट तरह के स्मॉल स्मॉल बबल्स निकल रहे हैं पानी में से, और कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है. रेड कलर इज़ माई फेवरेट. सो काफ़ी रेड क्यूट से बबल्स यू कैन सी हियर पानी में डालते ही. एंड अब इन बबल्स के साथ में दे आर गोइंग टू क्लीन माई लेग्स एंड आई एम श्योर ये काफ़ी हेल्पफुल होगा एंड इसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा है बिकॉज मैंने आफ्टर इफ़ेक्ट भी देखा है. मेरी स्किन में काफ़ी रफनेस थी फुट में भी और काफ़ी टैन भी था जो इन्होंने निकाला. सो यू कैन सी ओवर हियर दैट कि थोड़े टाइम बाद ये बबल्स थोड़े शेप में बड़े हो गए हैं एंड आप देखोगे कि नाउ इट इज़ लुकिंग लाइक जो रेड कलर की रेत कैसी होती है उस तरह की ये उस तरह का ये फील दे रहा था. और जब मैंने पैर डाला तो वो बहुत ही अच्छा सा मतलब बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट लेग्स को लग रहा था. सो इट वाज लाइक वेरी सॉफ्ट काइंड जेली टाइप नहीं होते जैसे रेड जेली हमें लगता है उस टाइप में फील दे रहा था एंड इट वाज रियली नाइस. इट वाज लाइक फॉर रिलैक्सिंग योर फीट. सो आई रियली इन्जॉयड इट. यू नो अगर आप इससे मसाज कराते हो ना तो आपको काफ़ी रिलैक्सिंग फील होता है, काफ़ी अच्छा फील होता है. सो या आई इन्जॉयड माई मसाज वेरी मच बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई वॉज डूइंग द पेडिक्योर एंड डेफिनेटली आई नीडेड अ डीप क्लीन एंड अ रियली रियली गुड मसाज टू रिलैक्स माई फीट, टू रिलैक्स माई सेल्फ एंड आई रियली इन्जॉयड इट वेरी मच. आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर इट एंड डेफिनेटली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम आई डी इज़ देयर ऑन योर स्क्रीन. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. और आप देखोगे कि ये जो जिस तरह का मसाज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम भी इन्होंने मुझे क्रीम से मसाज दिया, इसके बाद में इन्होंने इस बबल जो एक बबल जो जिस तरह का इन्होंने क्रिएट किया था इससे भी नाउ दे आर गिविंग मी द मसाज. सो इस तरह से करने से जो होता है काफ़ी सारे जो हमारे टैन स्किन होती है और चीज़ें होती है वो निकल जाती है. दिस बबल्स आर स्पेशली फॉर डेड स्किन एंड आई रियली इन्जॉय द मसाज वेरी मच. और कभी कभी खुद को पैम्पर कर लेना चाहिए बिकॉज हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड आई थिंक वी शुड पैम्पर आर सेल्फ. सो इफ़ यू वॉन्ट टू पैम्पर योर सेल्फ, इफ़ यू वॉन्ट टू रिलैक्स योर सेल्फ, डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई एंड गो फॉर इट एंड ट्राई दिस काइंड ऑफ अ क्रिस्टल पेडिक्योर. क्रिस्टल स्पा सॉल्ट होता है ये. ओके, ये सॉल्ट होता है. कुछ स्पेसिफिक यूज है सॉल्ट का? क्या यूज है सॉल्ट? भी डेड स्किन के लिए होता है, जैसे क्रैक्स वगैरह होता है. अच्छा हाँ, लकीली मेरे क्रैक्स नहीं है पर जिनके क्रैक्स से आए हो उनके लिए काफी यूजफुल होगा. ओके, दिस इज लोटस स्क्रब. सबसे अच्छी चीज तो मुझे ये लग रही है जो कलर चेंज हो रहा है.
Guys, this is the final touch now. So now this is the lotus massaging cream for foot massage. So now this is the final foot massage which he's giving to me, and we have done so many foot massages in this pedicure. You have seen on the entire vlog, and it was awesome, guys. फाइनली गाइज, हमने हमारा पेडिक्योर जो है वो फिनिश कर लिया है. ड्यूरिंग पेडिक्योर आपने देखा काफ़ी सारी मसाजेस इन्होंने दी, विच वॉज रिलैक्सिंग एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज रियली ऑसम गाइज. सो आफ्टर फिनिशिंग द पेडिक्योर, सबसे मेन पार्ट जो पेडिक्योर का होता है वो होता है हमारी नेल पेंट. डेफिनेटली विदाउट नेल पेंट पेडिक्योर इज़ इनकम्प्लीट. सो मैंने अपना फेवरेट कलर चूज़ किया है, विच इज़ आई always like brighter colors. You can see I chose red color, dark red color, which is my favorite color. Comment box में बताइएगा आप सब कि आपको अगर आप pedicure कराते हैं तो किस तरह का जो है आपको color wear करना पसंद है अपने foot पे. So I really enjoy this color very much and काफ़ी अच्छा भी लग रहा है मेरे पैरों पर. So definitely I chose this color and it's looking really awesome, guys. Let me know in the comment box आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड आप देखो आफ्टर इफेक्ट कितना फ़र्क पड़ा है स्किन पे, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, टैनिंग भी काफ़ी हद तक चली गई है. और आप देखो ये काफ़ी जो है डेड स्किन निकल गई है और काफ़ी सॉफ्ट हो गया है मेरे फूट. सो आई रियली रिकमेंड दिस क्रिस्टल पेडिक्योर टू एवरी वन. If you wanted to try, give it a try and definitely let me know in the comment section that आपको वीडियो कैसा लगा. और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय. और डू डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आपको मेरे पेडिक्योर कैसा लगा. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन.